एक्सरसाइज है 3.4, 3.4 एक्सरसाइज है। इसमें जो सम्स को ऊपर लिखा है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सिखा दिया है, अब सिखाऊंगा कौन सी मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब किसी चीज को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, या तो एक्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर वाई को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब इसमें मेन बात है कि एलिमिनेट होगा कैसे। एलिमिनेट करने के लिए पहली बात तो यह है कि यदि आप चलो सपोज करो एक्स को एलिमिनेट कर रहा है, मतलब कैंसिल करना चाह रहा है, तो पहली बात एक्स के जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी बात, एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए, तब वो एलिमिनेट होते हैं। कैसे होते हैं, ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव पर कौन सी मेथड कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन गिवन है उन इक्वेशन को लिखते हैं। पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल फाइव एंड 2x माइनस 3y इक्वल में 4, इनको इक्वेशन दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हमको करना क्या है कि हमारे जो x के कोएफिशिएंट है ये सेम होना चाहिए। इसका कोएफिशिएंट कुछ अलग नहीं लिखा, इसका मतलब कोएफिशिएंट कितना है 1, इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 2, ठीक है। यहां हम कौन सी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से, कौन सी विधि से, ब्लोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इनमें हम x के कोएफिशिएंट मतलब गुणांक देखेंगे, इधर x का कितना है 1, इधर x का कितना है 2, इन दोनों को सेम करना है। तो कैसे सेम करेंगे, देखिए नीचे वाला जो x का कोएफिशिएंट है गुणांक है उसका ऊपर गुणा कर दीजिए, कितना है इसका 2, और ऊपर जो x का कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका काम कर दीजिए नीचे। इस x के कोएफिशिएंट का गुणा इस इक्वेशन करेंगे, इस x के कोएफिशिएंट का गुणा इसमें करेंगे। अब यहां पर देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई x में y में 5 होगा, इधर 1 का मल्टीप्लाई इसमें इसमें उसमें सभी में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो गया, ये 2x प्लस लिखा, 2 का फिर y में होगा क्या हो गया 2y इक्वल, और 2 का 5 में कितना होगा 10, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3 ना। अब 1 का इनवर्स करेंगे तो वैसे वैसे रहेगा, तो 1 का सेकंड नंबर 1 2 2x, 1 3 3y, 1 4 4, इक्वेशन नंबर 4। चाहो तो सेकंड ही इसमें लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता, हमने फोर्थ दे दिया। पहली प्रोसेस क्या थी, एलिमिनेशन मेथड की, ब्लोपन विधि की, जो x के कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, दोनों के 2 2 होगा। अब एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, इस वजह से हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, इसलिए हमने लिखा इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, जब हम माइनस करते हैं तो जो नीचे वाला समीकरण है उसके साइन चिन्ह बदल जाते हैं, जिसका साइन प्लस का वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देखिए सबसे पहले नीचे वाले समीकरण पर 2x के सामने कोई चिन्ह नहीं बना, साइन नहीं है, इसका मतलब वो प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है किसका हो गया प्लस का, ये प्लस का है किसका हो गया माइनस का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल। अब आपको बीच वाले चिन्हों को नहीं देखना, ऊपर वाला देखना हो नीचे वाला देखना है, तो यहाँ देखिए ये भी प्लस का और ये माइनस का, ये भी किसका हो गया प्लस का हो गया, दोनों प्लस के बीच वाले को नहीं देखना, दोनों प्लस में तो प्लस का देखिए 2y और 3y कितना हो गया 5y हो गया, इक्वल में ये माइनस हो रहा है, 10 में से 4 जाएंगे कितना बचेंगे 6 बच गए, ट्रांसपोज करिए y इक्वल 6 के अपान कितना जाएंगे 5 आ जाएंगे, ये आ गई y की वैल्यू। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इस y की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या फिर सेकंड में रख दो, तो अपन फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू आई है y की, y इन इक्वेशन फर्स्ट, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 पूरा लिखेंगे, ये है हमारे पास समीकरण 1, क्या है x प्लस वाई इक्वल में 1, ये था लिख दिया। अब यहाँ पर x की जगह x लिखा, प्लस की जगह प्लस, ये जो y है इस y को हटा के अपन कितना लिख देंगे 6/5, तो लिख दिया 6/5, अब इक्वल में कितना चल रहा है 5। अब हम पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज प्लस का 6/5 राइट हैंड साइड आ जाएगा, इसको जाएगा माइनस का, जो ट्रांसपोज किया x इक्वल 5 की जगह 5, प्लस के हैं इधर आके किसको गए माइनस, अब इसके अपान कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल
इसका गुणा इसमें हो जाएगा 5 का 5 नंबर कितना हो गया 25 बीच में माइनस का चिन्ह इसका इससे हो जाएगा 1 का 6 हो गया 6 अपान में इन दोनों का आपस में हो जाएगा 1 का 5 हो गया कितना हो गया 5 हो गया 25 से 6 को माइनस करिए कितना बचेगा 19 अपान में 5 ये आ गया। आप भी में आंसर डालिए x की वैल्यू कितनी आई है 19/5 एंड y की वैल्यू कितनी आई है 6/5 ये आ गया आंसर। जब भी आंसर आएगा उसको ब्रैकेट में जरूर लिखिए।